अजमेर नगर निगम के बीजेपी पार्षद ने आज आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर वार्ड 80 में निर्माण कार्य के दौरान जांच करने गए कर्मचारियों पर की गई कार्रवाई को गलत बताते हुए उसे वापस लेने की मांग की। आयुक्त देवेंद्र सिंह ने पार्षदों को आश्वस्त किया कि इस मामले में उचित जाँच की जाएगी, तब तक किसी तरह की कार्रवाई कर्मचारियों पर नहीं की जाएगी। अजमेर नगर निगम के वार्ड 80 में रोड पर भवन निर्माण कार्य चल रहा था। इस पर अवैध निर्माण के साथ ही सड़क पर निर्माण सामग्री डालकर अवरोध करने की शिकायत मिली थी। इस शिकायत पर वार्ड के जमादार व कर्मचारी मौके पर पहुंचे। इस संबंध में मकान मालिक प्रभावशाली होने के चलते उसने नगर निगम के उपायुक्त से संपर्क किया, जिसके बाद तीनों कर्मचारियों का अन्य स्थान पर तबादला कर दिया गया, जिसे गलत बताते हुए आज स्थानीय नगर निगम पार्षद धर्मेंद्र पंचाल के साथ ही बीजेपी के एक दर्जन पार्षद उपायुक्त थीता वर्मा की शिकायत लेकर आयुक्त देवेंद्र सिंह के पास पहुंचे और इस मामले में जांच कर उचित कार्रवाई का मांग की। पार्षदों का कहना है कि नगर निगम के कर्मचारी अपना काम कर रहे थे और उसका ट्रांसफर कर दिया गया, जो कि गलत है, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था। इस मामले को लेकर आयुक्त ने सभी को आश्वस्त किया कि मामले में जाँच की जा रही है, जब तक किसी भी कर्मचारी का तबादला नहीं किया जाएगा, लेकिन इसमें अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर कार्यवाही भी की जाएगी। कल वार्ड 80 के अंदर एक निर्माण कार्य चल रहा था, वहाँ पर मैट और जमादार उस निर्माण कार्य पर जो है सड़क पे बर्जी डाल रखी थी और नाली को अवरुद्ध कर रखा था, उसको लेकर के उस व्यक्ति से मिले थे जाकर के। तो वहाँ पर जो है वो व्यक्ति प्रभावशाली था, उसके कुछ कनेक्शन यहाँ पे निगम के अंदर, तो उसने अपने प्रभाव का गलत इस्तेमाल करते हुए उन कर्मचारियों को तुरंत प्रभाव से ट्रांसफ़र करवा दिया गया। तो हमारा कहना ये है कि अगर कोई निगम का कर्मचारी अपने कार्य को अंजाम देता है, अपने कार्य की ड्यूटी को परफॉर्म करता है, तो उसको रिवॉर्ड मिलना चाहिए, उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। तो इन लोगों ने उसको पनिशमेंट दिया, ये बिल्कुल न्यायोचित नहीं है। निगम के कर्मचारियों के हम साथ में हैं, हम उनके पक्ष के अंदर हैं कि उनके साथ ये अन्याय हुआ है हमारे कर्मचारियों के साथ में, और उससे हमने मांग रखी थी कमिश्नर से कि इसके ऊपर ध्यान दिया जाए। तो कमिश्नर साहब ने हमारे को ये कहा है कि इस ऑर्डर को हम रिवर्ट कर रहे हैं और उनसे पूछा जाएगा कि क्या वाक्य हुआ था। उन्होंने कोई जानकारी लिए बगैर और उन्होंने अपना निर्णय लिया था, उस चीज़ का हम विरोध दे रहे थे। हम कौन है कर्मचारी, किस पद पे है यहाँ पर? जी, वार्ड 80 के अंदर एक मैट है संगीत और एक कर्मचारी है मनोज कुलेशिया और हेल्थ इंस्पेक्टर है ओम प्रकाश गोयर, इन तीन पे कार्रवाई करी गई है। अच्छा, किस चीज़ का निर्माण चल रहा था, कहाँ गए थे? ईदगाह रोड है, वहाँ पर जो है निर्माण भवन का निर्माण चल रहा था। सिर्फ इतना कहा गया था उस व्यक्ति से कि आपने जो ये नाली रोक रखी है, सड़क पर मलबा डाल रखा है, इसको साइड में करिए, नाली खोलिए ताकि आसपास के क्षेत्रों की जो शिकायत है उसको दूर करा जा सके। तो उस व्यक्ति ने अपने प्रभाव का गलत इस्तेमाल करते हुए उन कर्मचारियों को पनिशमेंट दिलवाते हुए तुरंत प्रभाव से कल 1:30 बजे उनके ट्रांसफर के ऑर्डर निकलवा दिए। अब क्या रूपरेखा रहेगी? अब रूपरेखा हमको कमिश्नर साहब ने आश्वस्त करा है कि हम जो है उस ऑर्डर को वापस ले रहे हैं ट्रांसफर के, और उन कर्मचारियों को बुला के पूछा जाएगा, उनसे ज्ञान लिया जाएगा कि क्या वाक्य था, उसके बाद कोई डिसीजन लिया जाएगा। जान पहचान ज़्यादा होने के कारण कर्मचारियों पर इस तरीके से कार्रवाई हो रही, क्या कहेंगे? देखिए, आज सभी पार्षद लोग हम सीओ साहब से यहाँ पर मिलने आए हैं, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे भाई पार्षद जो पंचम जी हैं, अतीश जी हैं, बालिया जी, इन लोगों के वार्ड में कुछ इस तरह की घटना हुई है कि एक इंस्पेक्टर के ऊपर और जमादार और मैट के ऊपर तुरंत प्रभाव से जो आदेश कर दिए गए और ट्रांसफ़र कर दिया गया, कार्रवाई कर दी गई, उस चीज़ को लेकर हम लोग सीओ साहब से मिले हैं। अगर आपका कोई शहर में मिलने वाला है और आपको अधिकारियों से उनकी डायरेक्ट जान पहचान है, इसका मतलब ये नहीं कि जनप्रतिनिधि को आप बिल्कुल अलग साइड कर और उनका तुरंत प्रभाव से ऑर्डर कर दें। आपको पहले पार्षद से ही पूछना चाहिए, क्योंकि हम लोग भी चुन के आते हैं, जनता चुन के भेजती है, विश्वास से भेजती है। तो आप हमसे भी पूछिए कि भाई क्या कारण था, कारण ना पूछ के और तुरंत प्रभाव से उनके आदेश कर दिए गए। तो इस चीज़ के लिए सीओ साहब से मिलने आए, निश्चित रूप से सीओ साहब का धन्यवाद है, उन्होंने हम लोगों की बात को रखा और रखने के बाद उन्होंने तुरंत प्रभाव से अपने वापस से वो कह दिया कि फिर से इस ऑर्डर को हम वापस कैंसिल करेंगे और जो कार्रवाई करिए उसके लिए हम एक बार पूछ के फिर दोबारा से जैसा भी होगा आप लोग से मिलकर बात करेंगे।